वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है, जिसके कारण देश भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार होती बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर आम आदमी की जेब पर हो रहा है। भोपाल में उच्च क्वालिटी के पेट्रोल का भाव 100 रुपए के भी पार पहुंच चुका है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कैसे निर्धारित होते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे तय किए जाते हैं। दरअसल भारत में पेट्रोल डीजल का खुदरा भाव वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के भाव से लिंक है, यानी कि अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होता है तो भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। अगर कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल के लिए ज्यादा खर्च करना होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार वैश्विक बाजार में भाव कम होने के समय सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ग्राहकों पर टैक्स का बोझ डाल देती है। इस प्रकार वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होने से आम लोगों को कुछ खास राहत नहीं मिलती है। तेल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें भी जोड़ी जाती हैं। पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 32.98 रुपए कर दिया है। 2020 की शुरुआत में यह 19.98 रुपए था। इसी प्रकार डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 31.83 रुपए पर पहुंच गया है। जनवरी 2020 में यह करीब 15.83 रुपए थी। महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियां लगभग बंद होने के बाद सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यह टैक्स बढ़ाया था। कई राज्यों ने भी अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स लगाया है। आखिर कच्चे तेल के भाव में एकाएक बढ़ोतरी क्यों हो रही है? अप्रैल 2020 के दौरान दुनिया भर में ईंधन की मांग कम होने के बाद कच्चे तेल के भाव में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली थी। उस दौरान दुनिया भर के देशों में आर्थिक गतिविधियां लगभग ना के बराबर चल रही थी, लेकिन अब चीजें सामान्य हो रही हैं और वैश्विक स्तर पर तेल की मांग बढ़ी है। जून से अक्टूबर के बीच करीब $40 प्रति बैरल पर ट्रेड करने वाला ब्रेंट क्रूड नवंबर के बाद महंगा होने लगा है। अब कोरोना वायरस वैक्सीन आने के बाद $60 प्रति बैरल के पार जा चुका है। कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती भी एक कारण है, जिसकी वजह से दाम में तेजी देखने को मिल रही है। सऊदी अरब ने फरवरी मार्च के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रतिदिन तक कटौती करने का फैसला लिया है। देश में हर रोज सुबह 6 बजे तेल के दामों को रिवाइज किया जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतों और विदेशी मुद्रा की दरों के हिसाब से देश में हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। ये नई कीमतें हर रोज सुबह 6 बजे से देश के हर पेट्रोल पंप पर लागू हो जाती हैं।